Hello students, today we are going to discuss a very heart-touching poem, Nine Gold Medals, जिसे लिखा है डेविड रोथ ने. डेविड रोथ जो है वो म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर, एक्टर, ऑथर और एक रेडियो पर्सनालिटी भी थे. इस पोएम की हेल्प से पोएट ने ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बताया है और साथ साथ हमें ये भी बताया है किसी भी ओलंपिक, किसी भी कंपटीशन से बढ़ के हमारे लिए हमारी ह्यूमन वैल्यूज ही होनी चाहिए. सो नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सप्लेनेशन. ये जो पोएम है वो एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है और ये एक ओलंपिक की स्टोरी को बताता है कि कैसे डिफरेंटली एबल्ड वो लोग होते हैं जो कि फिजिकली फिट नहीं होते हैं, तो कैसे डिफरेंटली एबल्ड लोगों ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने क्या किया. The athletes had come from so many countries. जो एथलीट्स है, जैसा कि हम जानते हैं कि ओलंपिक में बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उसी तरीके से इस ओलंपिक में भी बहुत अलग अलग कंट्री से जो थे एथलीट्स आए थे. To run for the gold and the silver and bronze. और जैसा कि हम जानते हैं कि ओलंपिक में गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल होता है, तो वो लोग जो आए थे वो रन करके गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स को जीतने के लिए आए थे. मेनी वीक्स एंड मंथ इन ट्रेनिंग. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेनी होती है. उसी तरीके से जो एथलीट्स आए थे उन्होंने काफी सप्ताह और काफी महीनों की ट्रेनिंग भी ली थी. ऑल बिल्डिंग अप टू द गेम्स. और सभी इस गेम्स को खेलने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर थे और बिल्कुल तैयार थे. ऑल राउंड द फील्ड स्पेक्टेटर्स वर गैदर्ड. स्पेक्टेटर्स रिफर्स ऑडियंस, यानी कि वो लोग जो कि उस गेम को देखने गए थे. चीयरिंग ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मेन. और जो सारे वुमेन और मेन थे वो सारे एथलीट्स को चीयर कर रहे थे. Then the final event of the day was approaching. The last race about to begin. और जो final day था event का वो बस आ चुका था और race जो है वो start होने वाला था. The loud speakers called out the name of the runners. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी game के starting से पहले सारे एथलीट्स का या जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका नाम अनाउंस किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से अभी जो लाउड स्पीकर में जो एथलीट्स थे, जो रनर्स थे, उनका नाम भी अनाउंस हो रहा था. द 100 मीटर्स द रेस टू बी रन. और जो 100 मीटर्स का जो रेस था वो बस शुरू होने वाला था. एंड नाइन यंग एथलीट्स स्टूड देयर डिटरमाइंड. और जो सारे एथलीट्स थे, यानी कि जो 9 एथलीट्स थे, वो सारे अपने पोजीशंस पे आ चुके थे और वो कम्प्लीटली डिटरमाइंड थे. एंड पोज्ड फॉर द साउंड ऑफ गन. और वो लोग जो थे वो वेट कर रहे थे कि जो गन का साउंड जो सुनेंगे, जो कि इंडिकेशन होता है गेम स्टार्ट होने का, तो वो लोग बस उस साउंड का वेट कर रहे थे. द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड. सिग्नल देने के लिए पिस्टल को फायर किया जा चुका था, यानी एथलीट्स को जो है वो सिग्नल मिल चुका था. एंड सो डिड द रनर्स ऑन हियरिंग द साउंड. और जो रनर्स थे वो साउंड को सुनने के बाद उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया. बट द यंगेस्ट अमंग देम स्टंबल्स एंड स्टैगर्ड. और जो उनके बीच जो सबसे छोटा एथलीट्स था, यानी कि जिसकी एज सबसे कम थी, वो अचानक लड़खड़ाने लगा. And he fell on his knees to the ground. और वो अपने knees के बल ground में गिर गया. He gave out a cry of frustration and anguish. Anguish means pain. यानी कि जो athletes गिरा था वो frustration और दर्द के मारे चिल्लाने लगा. His dreams and his efforts dashed in the dirt. और उसे ये लगने लगा था कि उसका जो सपना है वो उस धूल में जो है वो मिल चुका है. बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग दिस स्टोरी. और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ आपको स्टोरी बताने के लिए. नाउ इट्स स्ट्रेंज वन बट हियर व्हाट ऑकर्ड. और कि काफी स्ट्रेंज था जो कि वहां हो रहा था. द 8 अदर एथलीट स्टॉप इन देयर ट्रैक्स. और जो एक एथलीट्स गिर गया उसके बाद जो 8 अदर एथलीट्स थे
वो भी अपने ट्रैक पर रुक गया। द वंस हु हैड ट्रेंड फॉर सो लॉन्ग टू कम्पीट, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी एथलीट्स होते हैं, वो काफी ट्रेनिंग करके आते हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज को वैल्यू नहीं दिया और वो लोग सारे जो भी थे वो वहां पे रुक गए। वन बाय वन दे टर्न राउंड एंड केम बैक टू हेल्प हिम, एक एक करके सारे आए उसे हेल्प करने के लिए। एंड लिफ्टेड द लैड टू हिज फीट, और उसे उन्होंने उसके पैरों पर खड़ा किया। Then all nine runners joined hands and continued. और फिर उसे उठाने के बाद सारे एथलीट्स ने हैंड्स को ज्वाइन किया और उन्होंने कंटिन्यू किया आगे का गेम। The 100 meters reduced to a walk, और उन लोगों ने अब रन करके नहीं बल्कि वॉक करके जो रेस था उसे कंप्लीट करने का कोशिश किया। And the banner above that said Special Olympics, और जो ऊपर में बैनर लगा था उस पे लिखा था Special Olympics, could not have been nearer the mark, और ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। That is how the race ended with 9 gold medals, और ऐसे जो है वो रेस खत्म हुआ और वहां बस किसी एक को गोल्ड मेडल्स नहीं मिला, वहां जो 9 एथलीट्स थे वो 9 एथलीट्स को सबको जो है वो गोल्ड मेडल्स मिला। दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड स्टिल, और वो लोग फिनिश लाइन तक पहुंचे उसी तरीके से हाथ को होल्ड किए हुए जैसा कि उस एथलीट्स को उठाते हुए उन्होंने अपने हैंड्स को ज्वाइन किया था, बिल्कुल उसी तरीके से वो तब तक हैंड को होल्ड किए थे और उन्होंने हैंड को होल्ड करके ही फिनिश लाइन को भी कंप्लीट किया। And the banner above and 9 smiling faces, और जो 9 athletes थे वो smile कर रहे थे और उनके ऊपर जो banner था Special Olympics का वो बिल्कुल suit कर रहा था। Said more than these words ever will, said more than these words ever will, और उनका जो smiling face था वो उन words से भी ज्यादा बोल रहा था, और उनका जो smiling face था यानी कि उनका जो expression था वो उन words से भी ज्यादा था। So students, here we have completed our poem, और इस poem की help से poet ने हमें ये बताया है कि हमें किसी भी game से आगे हमारी human values को रखनी चाहिए, और इसके साथ साथ पॉइंट ने हमें कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के बारे में बताया है कि हमें कैसे कोऑपरेट करना चाहिए। सो आई एम होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।